आज यहाँ पे नए महाराष्ट्र सदन में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिवस मनाया गया। बहुत ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। पिछले चार साल से हम लोग यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती दिल्ली में मना रहे हैं। और छत्रपति संभाजी राजे जो अभी राज्यसभा में सांसद हैं, राष्ट्रपति मनोनीत सांसद, उन्होंने यहाँ पे शिव जयंती शुरुआत की थी और उसमें राष्ट्रपति आए थे, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष लोकसभा स्पीकर, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, तीसरे वर्ष 16-17 देशों के राजदूत यहाँ पे उपस्थित हुए थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के ही वंशज होने के नाते पूरे महाराष्ट्र की जनता छत्रपति संभाजी राजे को अपना एक आदर्श मानती है, अपना नेता मानती है। इस पवित्र कुल से वे आते हैं तो हम सभी लोग उन्हीं के आदेश पर और उन्हीं के आदर्शों पर हम यहाँ पे चलते हैं। इस साल कोरोना की महामारी चल रही है, बहुत बड़े स्तर पर तो हम कर नहीं सकते थे, लेकिन जितनी परमिशन सरकार ने दी उतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बड़े धूमधाम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ। भले ही यहाँ पे लोग कम हो लेकिन पुरानी उत्साह श्रद्धा कायम है। आज का जो कार्यक्रम हुआ वो छत्रपति शिवाजी महाराज के 14वें वंशज छत्रपति शाहजी राजे, जो संभाजी राजे के चिरंजीव हैं, उनके नेतृत्व में आज का यहाँ पे कार्यक्रम सब संपन्न हुआ है। और वे अभी भी यहाँ पे हैं, आप सब लोग उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज एक कालातीत महापुरुष होके गए हैं इस अपने देश में और दुनिया में। ऐसे बहुत कम नेता हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रस्थापित किए। सत्ता के साथ, सत्ता में बड़ी सत्ता रहते हुए भी एक अपने जीवन की सादगी, अपने जीवन का उद्देश्य लोक कल्याण का हो, ऐसा राजा इस दुनिया में नहीं हुआ था, अभी भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। यह भावना हम शिवभक्तों की है।